हरोली उपमंडल के तहत पड़ते दुलेहर गांव में सोमवार शाम हुई गोलीकांड मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दो लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। गोलीकांड के बाद जिला पुलिस द्वारा 8 टीमों का गठन करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संभावित ठिकानों पर भेजा था। वहीं पंजाब के होशियारपुर जिला के एक गाँव से 8 लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद दो लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। वही मामले की जांच को लेकर पुलिस सभी भी फील्ड में डटी हुई है। दूसरी तरफ डीआईजी नॉर्थ रेंज सुमेधा द्विवेदी मामले की समीक्षा के लिए मंगलवार बाद दोपहर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से घटना के संबंध में पूरी जानकारी हासिल की और साथ ही में जांच पड़ताल के लिए आगामी दिशा निर्देश जारी किए। एसपी ने बताया कि पुलिस ने केशव शर्मा की शिकायत के आधार पर ही घटना के संबंध में केस दर्ज किया है। हत्या के बाद से अब तक की जांच में पुलिस द्वारा पंजाब में 8 टीमों को जांच के लिए भेजा गया था। इन टीमों ने करीब 8 लोगों से पूछताछ की है, जबकि हत्या के संबंध में अभी तक दो लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले कल लगभग 6:45 पे हमको एक शिकायत मिली थी, जिसके हमको इन्फॉर्मेशन थी कि दुलैड स्थित बाज़ार के एरिया में एक व्यक्ति को गोली लगी है। उसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, हमने वहां पे एक शिकायत पत्र लिया केशव शर्मा जी से। केशव शर्मा वहीं के रहने वाले हैं, उनके चाचा जी पर ये गोली चलाई गई थी। हमने 204/22 FIR रजिस्टर की है, जिसमें 302 और आर्म्स एक्ट की धाराएँ लगी हैं। इसके बाद पुलिस ने वहाँ मौके पे अपनी कार्रवाई शुरू की और अलग अलग टीमें बना के जो हैं पूरे एरिया में, पंजाब एरिया में और हिमाचल के ऊना के अलग अलग एरियाज़ में भेजी गई। अभी हमारी 8 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, पंजाब में भी और ऊना एरिया में भी। DSP हरोली, DSP हेडक्वार्टर, SHO हरोली, इंचार्ज टालीवाल, साइबर की टीम, SIU की टीम, सिक्योरिटी इंचार्ज जो हमारे हैं, वो सभी अपनी अपनी टीमें लेके जो है फील्ड में कार्य कर रहे हैं। हमने 7-8 सस्पेक्ट जो हैं वो पंजाब एरिया में राउंड अप किए हैं, जिनकी वहाँ पे पूछताछ की गई। इसके बेसिस पे 2 जो मेन सस्पेक्ट्स थे वो हमने अभी फ़िलहाल फर्दर डिटेल्ड पूछताछ के लिए डिटेन किए हैं। आज DGP साहब हिमाचल प्रदेश ने भी DGP पंजाब से बात की टेलीफोनिकली और उन्होंने एश्योर किया कि वो पूरी कोऑपरेशन हमको करेंगे। SSP होशियारपुर के साथ मैं डायरेक्ट रेगुलर कॉन्टैक्ट में हूँ और उनकी तरफ से हमको पूरी कोऑपरेशन है। जो हमने अभी तक एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इस इंसिडेंट में ये लगभग 6:50 से लेकर 7 बजे के बीच में ये इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद 2 बाइक पे लोग सवार थे जो मौके से वहाँ से फरार हो गए। दुलैड से पोलियाँ लगभग 3-4 किलोमीटर का फ़र्क है, तो वहाँ से वो उनकी मूवमेंट का हमको एक आइडिया सा अभी लगा है और हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे इसमें कोई फर्दर अपडेट होती है हम आगे जरूर शेयर करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।